हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर एक बैच की शुरुआत की गई है और उस बैच का नाम है बच्चों मार्गदर्शन। क्या नाम है बच्चों? मार्गदर्शन। उसके अकॉर्डिंग हमने आपको 2 दिन मैथ, 2 दिन हिंदी और 2 दिन रीजनिंग पढ़ाया है। तो आज रीजनिंग का लास्ट डे है और हफ्ते का भी लास्ट डे है। तो चलिए रीजनिंग की ओर चलते हैं। देखिए आपका फर्स्ट रीजनिंग, यहाँ भी आपको क्या छाँटना है बच्चों? भिन्न आकृति। क्योंकि आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? कुल 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। कितने क्वेश्चन आते हैं? 40। तो देखिए हम आपको हर रीजनिंग के चैप्टर से कम आपको 40 क्वेश्चन करवाएंगे। तो भिन्न आकृति के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे और सेकेंड पार्ट में आज हम आपको फिर से 20 क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं। इसमें भी आपको क्या छाँटना है? भिन्न आकृति को ही छाँटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन में है आपके यहाँ पे एक बार प्लस, दो बार प्लस है, एक बार त्रिभुज छायांकित है और एक बार नहीं है। यहाँ भी सेम कंडीशन है और यहाँ पे भी देखिए दो बार प्लस है, एक बार त्रिभुज छायांकित है और एक बार नहीं है। लेकिन डी वाले में क्या है? दो बार प्लस तो है पर यहाँ पर दो बार त्रिभुज भी है, बट यहाँ पर दोनों त्रिभुज ही छायांकित हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला, क्योंकि हमें सबसे भिन्न छाँटना है। तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है और दो एरो, और दोनों ही एरो एक दूसरे के विपरीत की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए ये इधर कर रहा है और वो उधर कर रहा है। इसमें भी सेम है, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। सेकेंड ऑप्शन में भी, थर्ड ऑप्शन में देखिए दोनों ही एरो एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये इधर और ये इधर, और इसमें देखें तो दोनों विपरीत। देखिए ये इधर इशारा कर रहा है और ये इधर, यानी आपका सबसे भिन्न क्या हो जाएगा? सी वाला, क्योंकि ए बी और डी में दोनों एरो एक दूसरे के विपरीत हैं पर सी में दोनों एरो एक दूसरे की ओर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो वृत्त है और जो त्रिभुज है ये दोनों ही एक दूसरे की ओर हैं। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी एक ही ओर हैं, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी एक ही ओर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वृत्त और त्रिभुज एक ओर नहीं है। त्रिभुज यहाँ है तो वृत्त यहाँ है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? डी वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो मुख्य आकृति है इसका जो इसमें मुड़ान आया है, देखिए ये बाहर की ओर है। कहाँ है बच्चों? बाहर की ओर। इसमें भी देखिए इधर देखिए ये बाहर की ओर है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी कहाँ है? बाहर की ओर है। इसमें भी सारी जो मुड़ान है, ये चाहे ये वाला ले लीजिए, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला या फिर ये वाला, सब कहाँ है? बाहर की ओर है। लेकिन अगर डी वाले में देखा जाए तो जितने भी मुड़ान आए हैं कहाँ पे हैं बच्चों? आकृति के अंदर हैं। तो यही आपकी सबसे भिन्न हो जाएगी, क्योंकि बच्चों बाकी तीन आकृतियों में जो मुड़े हुए भाग हैं वो कहाँ है? बाहर हैं। बट डी वाले में आपका बाहर ना हो करके कहाँ पे है बच्चों? अंदर है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? डी वाला सही हो जाएगा। तो देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कितने एरो हैं? 5 एरो, यहाँ पे भी 5 हैं और यहाँ पे भी 5 है और 5 तो यहाँ पे भी हैं। और अगर इन सब में देखा जाए तो सभी एरो एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं, यानी ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी है, दोनों सभी एरो एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं, पैरलर। इसमें भी वही कंडीशन है, बट अगर सी डी वाले में देखा जाए तो ये अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगी। यानी यहाँ पे भी 5 एरोज तो हैं बट ये एक दूसरे के समांतर नहीं हैं। इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? डी वाला। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकेंड ऑप्शन है यू, थर्ड ऑप्शन है डी और फोर्थ ऑप्शन है ओ। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में 5 वावेल होते हैं, ए ई ओ ए ई आई, ए ई आई ओ यू। तो देखिए ये 5 वावेल है इंग्लिश में। तो देखिए एक वावेल ये हो गया आपका, एक वावेल ये हो गया, एक वावेल ये हो गया, यानी आपके 3 ऑप्शंस में तो वावेल हैं बट एक ऑप्शन में कॉन्सोनेंट है। तो आपका सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। कौन सा हो जाएगा बच्चों? कॉन्सोनेंट, यानी आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 अर्धवृत्त हैं और यहाँ पे 2 संपूर्ण वृत्त हैं, यहाँ पे 2 खुले हुए त्रिभुज हैं, क्योंकि ये भी देखिए खुला हुआ अर्धवृत्त है और यहाँ पे भी क्या है बच्चों? खुले हुए
त्रिभुज हैं, ये बंद नहीं किए गए हैं, देखिए। और यहाँ पे भी दो खुले हुए त्रिभुज हैं, दोनों ही खुले हैं। और यहाँ पे जो अर्धवृत्त है ये भी कैसा है बच्चों, खुला हुआ है। बट जो ये वृत्त है आपका बी वाला ऑप्शन, ये क्या है, बंद है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी आकृतियों में क्या कहते हैं बच्चों, सभी खुले हुए हैं, लेकिन इसमें कैसा है, बंद है, इसलिए आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे जो एरो है वो वृत्त के केंद्र के बाहर है, मतलब केंद्र की ओर इशारा ना करके कहाँ इशारा कर रहा है, बाहर की ओर। सेकंड आकृति में भी सेम है, बाहर की ओर कर रहा है। और थर्ड आकृति में भी वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर इशारा कर रहा है, बट फोर्थ आकृति में केंद्र की ओर इशारा कर रहा है। तो ये आपकी सबसे क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, क्योंकि देखिए बाकी सभी आकृतियों में केंद्र के बाहर की ओर इशारा किया जा रहा है, बट फोर्थ वाली आकृति में केंद्र के अंदर की ओर इशारा किया जा रहा है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लस और गुणे का सिंबल है, तो हम इनको गिन लेते हैं कि कितने सिंबल हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी गुणे के 5 सिंबल हैं और जोड़ के कितने सिंबल हैं बच्चों, 4। देखते हैं इसमें भी क्या ऐसा है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे जोड़ के 5 और गुणे के कितने हैं, 4। इसमें देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, जोड़ के 4 हैं और गुणे के कितने हैं, 5। इसमें देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी गुणे के 5 और जोड़ के कितने हैं, 4। तो देखिए यहाँ पे तीन आकृतियों में 4, 5 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे 5 गुणा है और 4 जोड़ है, यहाँ पे 4 जोड़ है और 5 गुणा है, और यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, 5 गुणा और 4 जोड़। बट इसमें क्या है, जोड़ की संख्या ज़्यादा हो जा रही है, तो ये आपका अन्य से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, यानी आपका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, बी वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए हम जो नए नए वीडियोज़ डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये कितना है, 5। ये भी कितना, ये देखिए आपका 5 है, ये भी 5 है, और ये कितना है, ये भी 5 है। तो सभी में 5 प्रकार की समान आकृतियां हैं, पर ए वाले ऑप्शन में 6 हैं। समान आकृतियां तो इसमें भी हैं, बट इसमें कितनी आकृतियां हो गई हैं, 6। तो आपका कौन सा भिन्न हो जाएगा, ए वाला। कौन सा भिन्न हो जाएगा बच्चों, ए वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे यच है, फिर के है, फिर वी है, फिर एन है। तो देखिए यच में कितनी लाइन है बच्चों, 1, 2, 3। के में कितनी लाइन है, 1, 2, 3। वी में कितनी लाइन है, 1 और 2। और एन में 3, यानी बाकी ये देखिए ए वाले में, बी वाले में और डी वाले में 3-3 लाइनों से मिलाकर उसका निर्माण हुआ है, बट सी वाले में 2 ही लाइन है, यानी आपका सी वाला सही हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम कौन सी पार्ट की रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी भिन्न आकृति है तो ये आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि रीजनिंग डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपके समझ के ऊपर है। आप उसको समझ के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक वृत्त है और एक जो लाइन है उसे 2 पार्ट में आधा आधा क्या कर रही है बच्चों, डिवाइड कर रही है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल को भी एक लाइन आधे आधे पार्ट में क्या कर दे रही है, डिवाइड कर दे रही। और यहाँ पे देखिए ट्रायंगल तो यहाँ भी है, लेकिन ये जो लाइन है क्या इस ट्रायंगल को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रही है, नहीं कर रही। और डी वाले में भी सेम कंडीशन है, एक वृत्त है और एक लाइन उन दोनों को क्या कर रही है, आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रही। जो दो आधे पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, सी वाला। कौन सा हो जाएगा, सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पे त्रिभुज है और यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। उसके बाद देखें तो 1, 2, 3, 4। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस आकृति को, यानी ये त्रिभुज है, इसको जो ये बीच वाली लाइन है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है,
इस आकृति की भी बात करें, जो भी आकृति बन रही है इसमें जो बीच वाली लाइन है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है कि नहीं बांट रही है, और इस आकृति में देखें तो यहाँ पे कोई भी लाइन इसको बराबर भागों में नहीं बांट रही, बट इस आकृति में बांट रही है, यानी तीनों बाकी तीनों आकृतियों में एक लाइन इन सबको बराबर भागों में बांट दे रही है, बट सी वाले में ऐसा नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये जो इस तरह की आकृति बन रही है उसमें जो गोला है वो छायांकित नहीं है, बट इसमें क्या कर दिया गया है, छायांकित कर दिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें भी छायांकित नहीं है और इसमें भी छायांकित नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। कैसे भी हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शंस में बच्चों जो आपका गोला या फिर वृत्त है वो छायांकित नहीं है, बट बी वाले में कैसा है बच्चों, छायांकित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके दो वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, एक वर्ग ये हो गया और एक ये हो गया, दो वर्ग और दो लाइनें हैं, एक लाइन और कितनी लाइन, दो लाइन, और इसमें देखें इसमें भी सेम वही कंडीशन, दो वर्ग हैं आपके ये देखिए और ये देखिए, और कितनी लाइन्स है, दो लाइन ये और ये, इसमें भी सेम कंडीशन, दो वर्ग हैं बट कितनी लाइन है बच्चों, दो वर्ग तो हो गए बट लाइन कितनी है, एक ही है, और इसमें देखते हैं यहाँ पे भी कितने वर्ग हैं, दो वर्ग हैं और ये आपका दूसरा वर्ग, लाइन कितनी है, दो, यानी आपका डिफरेंट सी वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि यहाँ सभी आकृतियों में दो दो वर्ग और दो दो लाइनें हैं लेकिन सी वाले में ऐसा नहीं है। सी वाले में क्या है बच्चों, दो वर्ग तो है बट एक ही लाइन है, जिसकी वजह से ये आपका डिफरेंट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वृत्त फिर गुड़ा फिर त्रिभुज फिर आयत फिर आई, सेम कंडीशन, सारी आकृतियाँ वही हैं, सारी आकृतियाँ वही हैं, क्या यहाँ पे भी सारी आकृतियाँ वही हैं, सारी आकृतियाँ तो वही हैं लेकिन आई के स्थान पे देखिए तीनों में क्या है, आई आई है और आई के स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया है, टी आ गया है, क्या आ गया है, टी, जिसकी वजह से ये आकृति क्या हो गई, बाकी सबसे भिन्न हो गई, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, डी वाला। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कितनी लाइन है, एक दो तीन चार, यहाँ पे देखें एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बट इसमें देखें क्या चार लाइन है, एक दो तीन चार पाँच, यानी बाकी सभी ऑप्शंस में तो चार चार लाइनें हैं लेकिन इसमें कितनी लाइनें हैं, पांच लाइनें हैं, तो आपका डी वाला सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो घड़ी की सुइयाँ हैं कितने डिग्री का कोण बना रही है बच्चों, 90 डिग्री का, यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है, 180, यहाँ पे भी कितने डिग्री का बन रहा है, 90, और यहाँ पे भी कितने डिग्री का बन रहा है, 90, तो बाकी तीन आकृतियों में तो 90-90 डिग्री का कोण बन रहा है बट आकृति बी में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यही आकृति आपकी सबसे भिन्न हो जाएगी, कौन सी भिन्न हो जाएगी बच्चों, बी वाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ए फिर सी फिर ई फिर एफ है, तो देखिए इसमें कितनी लाइनें हैं, एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, इसमें एक दो तीन चार और इसमें एक दो तीन, यानी कौन सा डिफरेंट हो जाएगा आपका, सी वाला, कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, सी वाला, बिकॉज बाकी सभी ऑप्शंस में तीन ही लाइनें हैं बट सी वाले में कितनी लाइनें हैं बच्चों, चार लाइनें हैं। आइए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका लास्ट, इसकी जो विपरीत रेखाएं हैं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ये विपरीत रेखाएं आपस में बराबर हैं, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली जो है इसके बराबर है, सेम इसमें भी हो रहा है, विपरीत रेखाएं आपस में क्या हो जा रही हैं, बराबर हो जा रही हैं, बट डी वाले में ऐसा नहीं है, यहाँ पे चारों भुजाएं आपस में क्या हो जा रही हैं, बराबर हो जा रही हैं, बाकी सभी आकृतियों में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही थी लेकिन डी वाले में ऐसा नहीं है, चारों ही बराबर हो जा रही हैं, तो आपका डी वाला अलग हो जाएगा, आपके सही आंसर डी वाला हो जाएगा। तो बच्चों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बच्चों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, हमारे द्वारा जो बैच शुरू किया गया है वो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित होने वाला है। तो आप बच्चों अब मेहनत करिए और अपनी परीक्षा पास कीजिए और नवोदय विद्यालय में प्रवेश लीजिए। थैंक यू बच्चों।